नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनआई न्यूज। जीएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी से बचने के लिए 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। मैं हूं आपके साथ अपेक्षा यादव, गोसाईगंज थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर। आइए देखते खबर को विस्तार से। काजीखेड़ा वार्ड नंबर 9 में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिलने से अमीनों के अंदर में हड़कंप मचा हुआ है और दोनों तरफ से रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। गोसाईगंज सीएससी स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा सैनिटाइजर कर लोगों को जागरूक करने आया है। आइए देखते हैं देव विश्वास की एक खास रिपोर्ट। जेएनआई न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। गोसाईगंज थाना क्षेत्र में काजीखेड़ा गांव में 9 नंबर वार्ड पे कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया, जिसको देखते हुए 9 नंबर वार्ड को क्वारंटाइन करा गया है और यहाँ ब्रेकेटेड भी कराया गया है। यहाँ आला अधिकारी भी पहुंचे थे, यहाँ सैनिटाइजर का भी व्यवस्था तैयारी करा जा रहा है। आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो आम जनता को इसके लिए क्या सोचित में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से व्यवस्था होना चाहिए, बच्चों को किस तरह से बचाना चाहिए। हमारे साथ में एक यहाँ का मौजूद निवासी है, जरा बात क्लियर करना चाहेंगे कि यहाँ कितना लोग आए थे और किस तरह की व्यवस्था करके गया। बड़े भैया, क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार वर्मा। योगेंद्र जी, बताइए कि यहाँ जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग का लोग आए थे, कितना आए थे? तो वो नाक मदार के वो करके चले गए। अच्छा, कितना लोग लगभग आए थे? 3 लोग आए थे। 3 लोग आए थे और उन्होंने क्या सजेशन देके गए? उन्होंने चले गए, हम बैरिकेटिंग करें। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य विभाग गोसाईगंज की तरफ से टीम आए। गोसाईगंज सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार कोरोना महामारी वायरस को लेकर क्या जानकारी दिए हैं, आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट में। गोसाईगंज सीएचसी में डॉक्टर हेमंत जी के पास आपको बताना चाहेंगे। काजीखेड़ा 9 नंबर वार्ड में एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए और हम जानना चाहेंगे इस कोरोना महामारी से किस तरह से बचना चाहिए और डॉक्टर साहब का दिशा किस तरह से होना चाहिए। हम डॉक्टर हेमंत जी से यही जानकारी लेने आए हैं। डॉक्टर साहब, जरा ये बताइए, जो कोरोना का जो केस पाए गए हैं और वहाँ बैरिकेडिंग हो गया सारा, वहाँ क्वारंटाइजेशन वगैरह भी कराया गया है, तो इस विषय पर कुछ जानकारी ऐसी दीजिए ताकि हमारा आम जनता भी इस बीमारी से निजात पा सके। एक्चुअली क्या है, जो भी केस पॉजिटिव आते हैं उसकी ट्रेसिंग, टेस्ट और ट्रीटमेंट, 3 पार्ट में वो होता है। उस केस को हम लोग देखते हैं, इसके बाद हमारी आरआर टीम उनसे संपर्क करती है, उनके घर जाती है, उनके संपर्क में आए हुए लोगों की टेस्टिंग करती है और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री लेती है, साथ ही उनके घर में कैसे उनको रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, औरों का कैसे बचाव हो सकता है ये बताती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो हमारा वही 3 मंत्र मूल मंत्र हैं कि हमको हमेशा मास्क लगा के रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना है, यानी कि हमको 2 गज की दूरी बना के सबके साथ बात व्यवहार करना है, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने समय समय पर अपने हाथ को सैनिटाइज करें या हैंड वॉशिंग करें, हाथ को धुलें, और बिना कारण, बिना किसी वजह के घर से बाहर ना निकले। भीड़ भाड़ वाली जगह या ज़्यादा गैदरिंग वाली जगह पे जाने से बचें। ये चीज़ अगर हम अनुपालन करते हैं तो हम इस महामारी से दूर रहते हैं, हमारा बचाव होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट तो वो हम कर रहे हैं, लेकिन आपको, हमारी पब्लिक को, हमारे भाई बहनों को, माताओं को ये चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, हमेशा मास्क लगाएं घर से बाहर निकलें तो, समय समय से पर हैंड सैनिटाइज करें और हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें। जैसे अभी सरकारी जो वैक्सीन का प्रोसेस चल रहा है, बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी इसकी जानकारी भी नहीं हो, ग्रामीण लोग इससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, इसके लिए कोई स्टेप लिए गए? इसके लिए देखिए, हम लोग ग्रामीण लेवल पे आशा संगनी, आशा के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, और इसमें क्योंकि पहले, सबसे पहले जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर से, इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर, इसके बाद 40 प्लस कोमॉर्बिडिटी और 60 ईयर के लोगों को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया चली। अब भारत सरकार द्वारा 45 वर्ष के सभी लोगों को वैक्सीन लगनी है,
जिसके लिए हम लोग समय समय पर जागरूक भी कर रहे हैं। अब लोग धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहे हैं और आ रहे हैं वैक्सीन कराने, लेकिन अभी वैक्सीनेशन की बहुत आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वैक्सीनेशन आकर CSC और गोसाईगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोसाईगंज में, और इसके अलावा 2 PSC हमारी कटरा बकास और गंगागंज है जहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य सतत रूप से 6 दिन हो रहा है। तो आप सभी लोग से अनुरोध है हमारी गोसाईगंज की पब्लिक से कि वह 45 वर्ष से अधिक जितने भी लोग हैं, चाहे वो महिला हों चाहे पुरुष हों, वो सभी लोग आएँ और इस वैक्सीनेशन को कराएं, इस टीकाकरण को लें, COVID-19 के टीकाकरण को लें, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। जैसे अपना गोसाईगंज ब्लॉक में जो CSC का दायरे में जो भी ग्रामीण क्षेत्र आता है, अभी तक लगभग कितना वैक्सीनेशन हो चुका है? अब ये मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 2500 से 3000 लोगों को तो हम लोग कर ही चुके होंगे, लेकिन अब एक्चुअल डाटा मेरे पास अभी नहीं है। जैसे